धार जिले के धर्मपुरी में नर्मदा नदी के बीच स्थित टापू के कटाव को रोकने का कार्य एस्टीमेट स्वीकृति और दूसरे चरण की राशि के आवंटन के अभाव में काम बंद हो चुका है। पत्थरों की पीचिंग के कार्य में दक्ष मजदूर भी बेरोजगार होने के साथ उनकी मजदूरी भी अटकी पड़ी है। आधे अधूरे पीचिंग कार्य भी टापू से बहकर आने वाली पानी से टापू पर अब तक हुए पीचिंग कार्य भी बहने की संभावना बनी हुई है। आपको बता दें, वर्षों से नगरवासी बेंड टापू को रोकने के लिए मांग करते आ रहे थे। पहली बार किसी जिला कलेक्टर ने पौराणिक बेंड टापू के लगातार हो रहे कटाव को गंभीरता से लेते हुए टापू के क्षरण को रोकने के लिए ताबड़तोड़ पत्थरों की पीचिंग के पहले चरण में 1 करोड़ रुपए की राशि आवंटन कर कार्य शुरू करवाया, लेकिन जिला पंचायत CEO आशीष वशिष्ठ के आने के बाद कार्य में और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही थी। श्री वशिष्ठ ने भी दूसरे चरण के कार्य के लिए निर्माण एजेंसी RES विभाग से तत्काल एस्टीमेट भेजने के निर्देश दिए, लेकिन एस्टीमेट पहुंचने के बावजूद दूसरे चरण के एस्टीमेट की स्वीकृति आज तक नहीं हो सकी है, जिसके चलते दूसरे चरण की पिचिंग का कार्य बंद हो चुका है। कार्य बंद होने से करीब 400 से अधिक दक्ष मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। आधे से अधिक मजदूर अपने घर जा चुके हैं, वहीं करीब 150 मजदूर अपने किए गए कार्य की मजदूरी की बाट चो रहे हैं। पिचिंग के दूसरे चरण के पत्थरों को जाली से कसने का अधूरा पड़ा है काम। टापू पर ऊपर से बहकर आने वाली पानी से अधूरा पड़ी पीचिंग बहने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में यदि दूसरे चरण के एस्टीमेट की स्वीकृति और राशि के अभाव में टापू पर हो चुके 2 करोड़ रुपए का पीचिंग के कार्य बहने के आसार बने हुए हैं। जिला प्रशासन टापू के दूसरे चरण के कार्य को लेकर गंभीर होने की अत्यंत आवश्यकता है, जिसे बेंड टापू के कटाव रोकने के साथ अब तक खर्च की राशि बेकार ना हो जाए। भारतीय न्यूज के लिए धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट। जो काम चल रहा था पिचिंग का, ये काम स्लो हो गया, क्या कारण है? वो तो पेमेंट नहीं मिल रहा है ना, थोड़ा शुरू चल रहा है भाई, लेबर बाहर जा रही है, इधर आ रही है, सब पेमेंट नहीं मिल रहा, उसके लिए रुक रहा है काम भी। कब से यानी काम? 1 महीना 1.5 महीना हो गया है। रुपेश राणा। रुपेश जी, यहाँ पर जो पिचिंग का जो काम चल रहा है जी, ये अब काफ़ी स्लो हो गया, तो क्या वजह रही है? सर मतलब क्या है, मैं लेबर सप्लाई कर दूँ, मैंने लेबर बाहर से भी मंगवा रखे, महाराष्ट्र है, कोई कई बाहर बाहर से UP से भी आ जाती है, और ये GPM के जितना भी मॉल है वो सिर्फ बाहर की लेबर करके, यहाँ पे MP की लेबर कोई कर नहीं पाएगी, तो इसलिए अपनी जोधमी लेबर सब बैठ गई है सर, पेमेंट मिल नहीं रहा हमें, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, लेबर हमको परेशान कर रही है, फिर हम क्या करेंगे, हमको पेमेंट होना चाहिए, और ये अगर पेमेंट नहीं मिलेगी सर, अगर काम बंद हो चुका है तो जितनी भी GPM है वो मतलब परेशानी में आ सकता है, नहीं अगर काम चालू रहेगा तो फिर बढ़िया रहेगा, पेमेंट मिलने नहीं है सर आगे से। नर्मदा का जलस्तर भी बढ़ रहा है जी, जी क्या नुकसान हो सकता है? हो सकता है ना सर, क्यों नहीं हो सकता, ये जितना भी पानी खोदरे का आएगा यहाँ से, ये खोदरे का पानी आता है, ये देखो फट गया पूरा सही, अगर यहाँ से अगर GPM का भी वो करते तो वो कहीं जा नहीं सकती है, अपन आगे से पेमेंट नहीं आ रही है, लेबर भी परेशान कर रही है, कब तक परेशान करके उनको बिटा बिटा के रखेंगे, अब 100, 150, 200 लेबर है अपने पास, अब कैसे क्या करें, वो हमको परेशान कर रही है, और जो ठेकेदार से बोलते वो बोलेगा आगे से पेमेंट मिलेगा, जब भी हम देंगे फिर हम कहाँ से देंगे। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।